हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी कमाल की हिडन सेटिंग बताने वाला हूँ, या भी बोल सकते हैं कमाल की प्राइवेसी सेटिंग बताने वाला हूँ, जो कि आपको हर सैमसंग गैलेक्सी में मिलेगी। क्या ये सेटिंग है, कैसे उसको इनेबल करेंगे और क्या उसका फायदा होने वाला है, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाओ, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनियर और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हिडन सेटिंग है, हो सकता है हिडन जो फीचर वो ये है दोस्तों। आज की डेट में हम प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं दोस्तों। होता क्या है, हमारा फ़ोन कोई यूज़ करने को लेता है, लाइक उसने लिया कि कॉल करने को ले रहा है, बट कॉल करते टाइम वो क्या करेगा, पूरे आपका सब कुछ चेक कर लेगा, गैलरी में जाके चेक करेगा गैलरी में क्या है, आपके व्हाट्सएप स्टेटस चेक करेगा, हर कुछ बहुत कुछ सारे चेक कर लेता है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर कर लेनी है कि आप कोई भी अगर किसी को भी मोबाइल दे रहे हैं तो आप वहां पर पिन करके दे। उससे क्या होगा, सिर्फ वो उसी ऐप को ही चला पाएगा, दूसरी ऐप नहीं चला पाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जाना है यहाँ सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे मिलेगा ऑप्शन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का, आपको उसके अंदर जाना है। उसमें जाने के बाद नीचे आएंगे आपको मिलेगा अदर सिक्योरिटी सेटिंग, उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद नीचे आएंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा पिन विंडो का, आप देख रहे होंगे, आपको इसको इनेबल कर लेना है। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है, आपको इसको ऑफ कर लेना है, ऑन कर लेना है, सॉरी बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है, आपको उसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद अभी कैसे वर्क करता है उसके लिए मैं आपको बता दूं। लाइक मेरे को यहाँ पर मेरे को किसी को खाली बस ये प्ले स्टोरी खोल के देना है कि सिर्फ वो प्ले स्टोरी एक्सेस कर सके और कुछ ना एक्सेस कर पाए। तो आपको करना है क्या है, यहाँ रिसेंट विंडो में जाना है, यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा पिन दिस ऐप, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी, अनपिन दिस ऐप, स्वाइप अप एंड होल्ड। ओके, अब क्या होगा, अब जब भी मैं इस पर खाली, अब इसमें कितना भी कुछ करना चाहूँ मैं कर सकता है, या फिर जो जिसको भी आपने मोबाइल दिया है इसमें कितना भी कुछ करना चाहे सब कर सकता है। बट अगर वो इससे बाहर आना चाहेगा तो वो इससे बाहर नहीं आ सकता, वो इससे बाहर आएगा ही नहीं, ना होम स्क्रीन पे जाएगा ना कहीं जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला, वो सिर्फ इसी ऐप को ही यूज कर पाएगा। अगर वापस उसको आपको अगर मान लो उसको हटाना है तो आपको यहाँ पर इसको स्वाइप करके थोड़ी देर होल्ड करना होगा, होल्ड करने के बाद मोबाइल आपका लॉक हो जाएगा और आपका पिन या पासवर्ड जो भी पैटर्न लगाओ या फिर आपकी फिंगरप्रिंट उसी से ही वो अनलॉक होकर दूसरी ऐप यहाँ पर खुल पाएगी। तो ये फीचर सबसे बेस्ट फीचर है, सबसे कमाल का फीचर है दोस्तों। सेकेंड जो फीचर है दोस्तों वो है सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर है। आपको पता होगा इंटरनेट ब्राउजर सैमसंग का खुद का है और उसमें बहुत ही कमाल के हिडन फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं। जैसे कि आपको गूगल क्रोम में देखा होगा कि आपको वहां पर एक ऑप्शन मिलता है इनकन्वीनियंट मोड, वहां पर जो भी आप सर्च करेंगे वो प्राइवेट रहेगा, वो किसी को शेयर नहीं होगा और वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऐसे ही आपको सैमसंग इंटरनेट में भी जाके अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको यहाँ पर प्राइवेट करने का एक ऑप्शन मिलता है, या बोल सकते हैं टर्न ऑन सीक्रेट का ऑप्शन मिलता है, टर्न ऑन सीक्रेट मोड, टर्न ऑन सीक्रेट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर अब क्या होगा, आप यहाँ पर जैसे कि मैंने लगा रखा है सिक्योरिटी, तो ऐसे भी आप ऐसी सिक्योरिटी लगा सकते हैं, पिन पासवर्ड जब भी आप उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो आपको पहले पिन और पासवर्ड डालना पड़ेगा तो ही आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। उसके लिए आपको ये जाना थी, तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर जाना है आपको थ्री डॉट्स पे, यहाँ जाना है इस पे, यहाँ जाना है इसको सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ जाना है पर्सनल ब्राउजिंग पे, पर्सनल ब्राउजिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सीक्रेट मोड सेटिंग का। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर फेस फिंगरप्रिंट और इसको यहाँ पर इस यूज पासवर्ड को ऑन कर देना है, और जब भी आप वहाँ पर सिक्योर्ड या बोलेंगे भी आप सिक्योर मोड में या बोल सकते हैं प्राइवेसी मोड में कोई भी ऐप वो टैप को खोलेंगे तो आपको पासवर्ड पहले डालना पड़ेगा तो ही आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो जो कि कमाल का फीचर यहाँ पर दिया गया है हिडन। उसके बाद तीसरा फीचर बताने वाला हूँ, वो है जो बताने वाला हूँ वो गैलरी में लेके, गैलरी में हमारे पास बहुत सारे हमारी एल्बम्स होती हैं जिनमें कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी उसको देख सकता है, बट अगर हम चाहते हैं कि उसको हमें हिडन करना तो आप यहाँ पर उसको हाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लॉक लगा सकते हैं, जैसा जब भी आप उसको ऑन करना हो तो पहले आपको अपना पिन डालना पड़ेगा या अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट डालना पड़ेगा तो ही आप उसको देख पाएंगे। तो उसको इनेबल करने के लिए पहले जाना है यहाँ थ्री सेटिंग पे, सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर अबाउट गैलरी में, यहाँ वर्जन नंबर पे 11 बार आपको टैप कर लेना है। 11 बार टैप करने के बाद आपको नीचे मिलेगा गैलरी टैप का ऑप्शन, गैलरी टैप में जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लॉक वाला ऑप्शन, आपको उसको एंड कर देना। सबसे ऊपर ही मिल रहा है एल्बम एंट्री लॉक विथ लॉक स्क्रीन क्रिटिकल्स नॉट डेट शेरियो सब, तो आपको इसको ऑन करने के बाद इसको गैलरी को एक बार बंद करके चालू कर लेना है तो वो फीचर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाले फीचर को यूज करते हैं। तो नेक्स्ट जो बताने वाला हूँ उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग पे, सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे, यहाँ जाने के बाद नीचे मिलेगा आपको प्राइवेसी वाला ऑप्शन, उस पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको इसको ऑन करना है अलर्ट वेन क्लिपबोर्ड एक्सिट, क्लिपबोर्ड एक्सेस। इसमें क्या होगा, जब भी कोई भी आपके पास कोई भी आपने अगर कोई कॉपी कर रखा है, चाहे फोटो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे नंबर्स हो, चाहे टेक्स्ट हो,
जब भी कोई भी उसको यूज करेगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि उस ऐप ने आपका क्लिपबोर्ड या क्लिपबोर्ड वाला डेटा को यूज कराया, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फीचर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको इनेबल कर रखना है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद जाना है बैटरी एंड डिवाइस केयर पे। बैटरी एंड डिवाइस केयर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा डिवाइस प्रोटेक्शन का, तो इसको भी ऑन करके रखना है। इसको समय समय पर आपको स्कैन करते रहना है ताकि आपका डेटा वहाँ पर सेफ्टी बनी रहे। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है तो आपको इसको ऑन करना पड़ेगा मैनुअली, तो आपको इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों लास्ट बताने वाला हूँ वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए वापस आपको यहाँ पर जाना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे। यहाँ पर मिलेगा फाइंड माय मोबाइल वाला ऑप्शन, जो कि बहुत ही काम का फीचर है। तो आपको अलाउ दिस फोन भी फाउंड पे ऑन कर लेना है और सेंड लास्ट लोकेशन को ऑन कर लेना है, ऑफलाइन फाइंडिंग ऑन कर लेना है। जब भी आपका मोबाइल कहीं भी अगर मिस हो जाता है तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जाके उसको चेक कर सकते हैं अपने सैमसंग आईडी को लॉगिन करके कि एक्चुअल में लास्ट उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ थी या लास्ट लोकेशन कहाँ थी, तो आप पूरी तरह से उसको फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों यही कुछ हिडन सेटिंग थी जो कि मैंने बताई। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके ही पूछ सकते हो। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, यहां तक आपने मेरी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।